रीमीट, अगले चैप्टर का टाइटल। राजीव बोला, चल ठीक है। क्योंकि राजीव को ये आइडिया होता है कि इनकी मौसी से नहीं बनती और वो बहुत सी बातों से अनजान भी था। फिर सभी कल मिलने का बोलकर फोन काट देते हैं। श्रुति वीर को फोन मिलाते है। वीर जी कहिए, कल आप दोनों राजीव के घर आ रहे हैं क्या? वीर, नहीं श्रुति, क्यों क्या हुआ? श्रुति, अरे वो राजीव और बाकी सबका फोन आया था तो इसलिए पूछा। सब साथ ही होंगे ना कल, तो आपसे भी बात नहीं हो पाएगी। वीर, कोई बात नहीं श्रुति, आप एंजॉय करना बस। हाँ वो तो होगा ही। कुछ देर बात करके दोनों फिर सो जाते हैं। सुबह के समय, वीर, रोहित उठ जा भाई, फिर तुझे राजीव के यहां भी जाना है, तेरा फोन कई बार बज चुका है सुबह से। रोहित उठता है, फटाफट से तैयार होकर वहां से निकल जाता है। उसे तो पता होता है कहां जाना है, फिर भी वो रोहित से फोन करके पूछता है और राजीव की कॉलोनी के बाहर पहुंचकर उसे कॉल करता है और दोनों घर जाते हैं। वहां पर संजना की फैमिली, श्रुति की फैमिली, सिर्फ श्रुति को छोड़कर होती है। सभी रोहित की तारीफ पहले ही सुन चुके होते हैं। रोहित भी सभी से मिलता है और बातों के साथ नाश्ता खत्म करता है। फिर ये चारों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर श्रुति भी देर से उठती है, फिर तैयार होकर घर से बाहर आ जाती है और ऑटो में बैठकर कहीं निकल पड़ती है। वीर भी अपने कमरे में नॉवल पढ़ रहा होता है कि तभी डोरबेल बजता है और वीर गेट खोलने के लिए जाता है। गेट खोलते ही वीर चौंककर, आप यहाँ? श्रुति, क्यों किसी और की उम्मीद कर रहे थे क्या? और अंदर आने दोगे या नहीं? वीर गेट से हटता है और श्रुति अंदर आ जाती है। वीर भी दरवाजा बंद करके किचन की तरफ जाता है और पानी लेकर श्रुति के पास आता है। वीर, श्रुति आपने तो बताया था कि आप रोहित सबके साथ रहोगे आज के दिन। श्रुति, हाँ झूठ बोला था। वीर, और उन सबको क्या बोला कि कहाँ जा रहे हो? श्रुति, बस संभाल लिया मैंने। तो अपने जासूसी दिमाग मत चलाइए। श्रुति पानी पीकर अंदर वीर के कमरे में जाकर बैठ जाती है। बोली, वीर आपको हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तो गले मिलो यार। दोनों गले मिलते हैं और वीर श्रुति की कमर में हाथ डालकर बोला, तो इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रहते सबके साथ आज के दिन, सब साथ होते आपका भी मन लगता। श्रुति, सब होते पर आप नहीं होते ना वीर, और आपको हमें यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? बोलो तो मैं जा रही हूँ। वीर, श्रुति आप भी ना, बैठो अब यहाँ पर। दोनों बैठ जाते हैं और वीर अपनी बुक वहां से हटा देता है। श्रुति, तो ये बात है, जनाब पढ़ रहे थे और हमने डिस्टर्ब कर दिया। वीर, अरे नहीं नहीं वो तो बस ऐसे ही लेकर बैठ गया था। श्रुति वहीं वीर का हाथ पकड़कर बैठती है और फिर अपना सिर वीर के कंधे पर टिका देती है। वीर, श्रुति याद है आपको, आपने कुछ पूछा था और हम आप पर गुस्सा हो गए थे। श्रुति, आपको बुरा लगा था ना, सॉरी, और किसी छोटे बच्चे की तरह कान पकड़ लेती है। वीर, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। वीर श्रुति के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके सामने बैठकर बोला, श्रुति शायद ये बातें आप कभी जान नहीं पाते, पर अब आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो तो सुनो, ये जानना आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा एक ऐसा राज है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आपके देव अंकल और आपकी रीमा आंटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रीमा आंटी जी हमारी बड़ी मम्मी की बहन है और वो आपके देव अंकल से पहली बार हमारे घर पर ही मिले थे। वहीं दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों यहीं यानी कि दिल्ली में रहते थे। जब देव अंकल जॉब करने लगे तो हमारे दादाजी ने उनको वापस गांव बुलाया और इनसे शादी की बात की, पर इन्होंने कहा कि वो भाभी की छोटी बहन से प्यार करते हैं। पर दादाजी जो कि कुछ खास पसंद नहीं करते थे रीमा को और वो लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे, तो वो देव अंकल को आदेश सुनाते हैं कि उनकी शादी दादाजी की मर्जी से ही होगी। बड़े पापा बड़ी माँ बहुत समझाने की कोशिश करते हैं दादाजी को, पर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अंत में देव अंकल की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देव अंकल रीमा नाम की लड़की से शादी तो कर लेते हैं दादाजी की वजह से, पर प्यार वो अभी भी रीमा आंटी से ही करते हैं। अब देव अंकल रावी नाम की लड़की से शादी तो कर लेते हैं दादाजी की वजह से, पर प्यार वो अभी भी रीमा आंटी से ही करते थे। पर कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रावी एक बेटे को जन्म देती है और आपके देव अंकल ने जब ये बात सुनी तो बस खून का खून पीकर रह गए, क्योंकि उनके लिए अभी भी रीमा ही सब कुछ थी। आपकी वीर अंकल दिल्ली आ जाते हैं और रीमा आंटी से शादी कर लेते हैं। दादाजी के कई बार कहने पर देव अंकल 3 साल बाद अपने गांव आते हैं। वो बच्चा भी अब तक 2 साल का हो चुका था। इधर घर में भी सभी बहुत खुश थे कि देव 3 साल बाद घर आ रहे थे और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आपके देव अंकल रीमा आंटी के साथ आते हैं जो कि प्रेग्नेंट थी।
सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और जैसे ही देव अंकल और रीमा आंटी घर पर चौखट पर कदम रखते हैं, रावी की इस सदमे से मौत हो जाती है। दादाजी भी दोनों को वहां से चले जाने को कहते हैं और ये दोनों भी वहां नहीं रुकते, यहां तक कि रावी के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं। देव ने अपने बेटे, अपने खून का चेहरा भी नहीं देखा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार उस वक्त किया जब उसे पता भी नहीं था। दादाजी भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। देवंगल को बड़े पापा बार बार फोन करके अपने पापा के अंतिम संस्कार में आने को कहते हैं, पर वो नहीं आते। इस बीच में कई बार देवंकल के भाई देव से उस बच्चे के बारे में जिक्र करते हैं, पर वो कभी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। इधर रीमा आंटी ने दो प्यारे बच्चे राजीव और संजना को जन्म दिया। उधर गांव में वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो कई बार घर में सबसे अपने पापा के लिए पूछता है, पर कोई जवाब नहीं दे पाता। वो बच्चा कई बार अपने बड़े पापा को, देव यानी उसके पापा से बात करते सुनता है, पर सिवाय उदासी के उसे कुछ नहीं मिलता। इन सब के बाद देव अंकल इस बार शादी में गांव गए थे। श्रुति, इन सब बातों से आपका क्या लेना देना? वीर, श्रुति लेना देना है, क्योंकि वो बच्चा मैं हूं और रावी मेरी माँ का नाम है और आपके देव अंकल हमारे पापा हैं। राजीव, कविता और नयन हमारे भाई बहन हैं। वीर की आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही चेहरे पर कोई गुस्सा, वो बस शांत था, बिल्कुल शांत। श्रुति ये सब सुनकर चौंक जाती है और उसे समझ नहीं आता। वो बस वीर की आंखों में देखती है और जाने क्यों उसके होंठ वीर के होंठ से जा मिलते हैं। दोनों कुछ पल ऐसे ही रहते हैं और फिर वीर अलग हो जाता है। वीर श्रुति की तरफ देखकर जिसकी आंखों में आंसू थे, यही बात थी जो हम आपको उस दिन बता नहीं पाए। और वीर श्रुति की आंखों के आंसू पोंछता है। वीर, अरे पागल, रो क्यों रही है? श्रुति कुछ नहीं बोलती, बस वीर को अपने सीने से लगा लेती है। वीर भी काफी देर तक ऐसे ही रहता है और श्रुति के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। श्रुति खुद को शांत करते हुए वीर के माथे पर हाथ फेरती हुई और वीर का चेहरा अपने हाथों में लेती है। अब वीर की आंखों में भी आंसू थे। श्रुति उसकी आंखें पोंछती है और वीर की आंखों में देखकर बोले, बस वीर, बस आप रोना बंद करो, बस अपनी आंखों में आंसू मत लाओ। अब आपने खुद को बहुत मजबूत बनाया है, अब टूटने मत दो, इससे आपके अपनों को तकलीफ होगी, इससे वो टूट जाएंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वीर बस सर हिला देता है। श्रुति फिर वीर के सर से अपना सर टिका देती है। दोनों ऐसे ही काफी देर तक बैठे रहते हैं। श्रुति, वीर अब आप ठीक हो? हाँ श्रुति, दोनों अपना चेहरा उठाते हैं। श्रुति फिर वीर के करीब जाती है और वीर के होठों से अपने होंठ मिला देती है। दोनों बस एक दूसरे में खोए रहते हैं और फिर कुछ पल बाद अलग होते हैं। दोनों वहीं बैठ जाते हैं, चुपचाप है बस। बीच बीच में श्रुति वीर के चेहरे की तरफ देखती है। वीर बस एक टक सामने की तरफ देख रहा था। श्रुति वीर के कंधे पर अपना सर रख देती है और वीर का हाथ पकड़ लेती है। वीर, हाँ बस अब हो गया, अब उदास ना हो। वीर बस सर हिला देता है। श्रुति, चलो वीर उठो, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और श्रुति वीर को उठाकर बाहर लाती है, जहां उसे सोफे पर बिठाकर अंदर किचन में जाती है और चाय बनाकर लाती है। श्रुति, लो वीर चाय पियो, बहुत सोचते हो, इतना मत सोचो। वीर सिर हाँ में हिलाकर चाय ले लेता है। दोनों चुपचाप चाय पीते हैं। चलो वीर, कहीं बाहर चलते हैं, थोड़े वक्त बाहर रहोगे तो मन हल्का हो जाएगा। आओ बैठो यहीं पर, मैं ठीक हूं। श्रुति वहीं बैठ जाती है और वीर उसकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। श्रुति उसके माथे पर हाथ फेरने लगती है। श्रुति के साथ होने और इस अपनेपन की वजह से वीर थोड़ी देर में ठीक होता है। वीर, श्रुति यार सॉरी, वो मेरी वजह से आप परेशान हो गई। वीर, बस भी करो ना, आपकी वजह से मैं कहां परेशान होंगे। और हाँ सुनो, थोड़े दिनों में आप परेशान हो जाओगे, याद रखना।